अभी इतनी देर में तो हम किसी जन्नत में पहुंच जाते यार। ये जन्नत ही तो है मीरा, कितना सुंदर लग रहा है देखो। बाय द वे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाकी शादी कर लेते हैं, स्थानजाम से तो कम से कम बच जाते हैं हम लोग। मीरा, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, ऐसे कैसे भाग के शादी कर लेते हम लोग? हाँ, क्या भाग के शादी कर लेते? अरे भाग के शादी कर लेते तो फिर हम ये शानदार शादी कैसे करवा पाते हैं? भाई देखो, अब जो भी है यही जन्नत। अरे तुम लोगों ने तो तय कर लिया कि एक महीने में शादी करनी है, अब ये जगह मिल गई, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। पापा, अब सारे क्रेडिट आप ही ले लेंगे। अब ये सब कमाल तो जगजिंदर का है भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अरेंजमेंट तो शानदार करेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तेरा ये जीजे है कहाँ? अरे स्वागतम स्वागतम स्वागतम, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। जीजे सर से बात हुई थी मेरे बारे में? ओ मिश्रा जी, आइए आइए आइए। एक्चुअली जीजे दूसरी वेडिंग में बिजी है तो उन्होंने मिश्रा जी को भेजा है। मिश्रा जी उनके राइट हैंड है, स्पेशली भेजा है। मिश्रा जी सब संभाल लेंगे, है ना? जो बॉस बोलते हम तो करते हैं। अरे रिमोट कंट्रोल है जी, रिमोट कंट्रोल। अच्छा मिश्रा जी, ये मीरा है। नमस्ते। होने वाली पत्नी मेरी मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। अंकल आंटी। ये मेरी वेरी एफिशिएंट एंड सुपर स्मार्ट बहन अनुष्का। नमस्ते अनुष्का। ये मिश्रा जी है, वेडिंग की सारी अरेंजमेंट ये करेंगे। और मिश्रा जी, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल अस। क्या बात है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मैं ना आपकी असिस्टेंट बन जाऊंगी। ओके। अरे गुड़िया मेरी असिस्टेंट, और ये क्या बात है। ये रहा साला हर्ष। साला हर्ष, मीरा का भाई और मेरा साला हर्ष। अच्छा। आपका दूसरा असिस्टेंट। दोनों का तो पता नहीं, बट आई बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ओके। क्या बात है, क्या बात है। मिश्रा जी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ इधर, ठीक है? जब से पैदा हुआ तब से लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता आ रहा हूँ। ये देखिए इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन्हें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कहते हैं, दीज आर कॉल्ड बैग्स। और ये गधे भी उठा सकते हैं। एक्चुअली इन्हें गधों के बारे में बहुत पता है, रहती होंगी, धोबी दी गई पहले। ऑफ कोर्स, तुम्हारे साथ जो इतना घूमती हूँ, घूमना पड़ता है इनफैक्ट। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अरे मेरे एक मिनट बेटा, मेरे साथ दो दो असिस्टेंट जब मुझे मिले तो कम से कम भोग तो लगाना ही चाहिए। और आज के मॉडर्न जमाने का भोग है सेल्फी। चलो बाकी के रिस्पेक्ट देते हैं। आइए भाई साहब, चलो आओ। वेल, इनके बीच का सीन तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? है ना? बट आई डोंट थिंक यू नीड टू बी अ जीनियस टू अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या चल रहा है। It's pretty simple out there. You know, मेरे हिसाब से दो पड़ोसी families या तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं या तो बहुत ही अच्छे दुश्मन। यहाँ पर एक तरफ है हर्ष की बड़ी बहन मीरा और दूसरी तरफ अनुष्का का भाई। अब इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ खुद हर्ष और अनुष्का। अब इन दोनों के बीच की जो बचपन की नोकझोंक है, अब जवानी में आकर दुश्मनी और नफरत में बदल गई है। बिलीव मी, इतनी ज्यादा नफरत कि अगर एक दूसरे को देख लेना तो मुझसे तो ना सुना जा रहा है, मैं नहीं सुन सकता। बट वेलकम टू ये आशिकी को पावर्ड बाय लावा स्मार्ट। आप सुनते रहिए, हैव अ लुक। चुप कर गधा कहीं का। डिड यू जस्ट कॉल मी डोंकी? ओ सॉरी, तो मैं डोंकी कैसे कहूंगी, गधों की इंसल्ट हो जाएगी ना। आई एम रियली सॉरी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सीरियसली। लिसन, तुम ना अपने बैग्स उठाओ, इसके लिए इतनी अकल की जरूरत है? यू ना फोकस, जस्ट फोकस फोकस। शट अप, शट अप गाइस प्लीज। हमने सोचा था दोनों फैमिली में से एक एक मेंबर आएगा और मिश्रा जी की हेल्प करेगा तो उन्हें आसानी हो जाएगी, लेकिन तुम लोग तो ना यहाँ वर्ल्ड वॉर खेलने आए हो। मिलजुल कर काम करो यार, क्या पता इससे तुम्हारी दोस्ती हो जाए। भैया मेरे ना फेसबुक पे 710 फ्रेंड्स हैं, और आई डोंट नीड अनदर फ्रेंड, नॉट लाइक हिम एट लीस्ट। कम ऑन। हां, और तेरे जैसे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आती है ना तो मैं उससे पहले अनफ्रेंड कर दूंगा। Please, everybody knows how many friends you have on Facebook. Just let it be, man. You know what? Your sister, na, she's a pain in the. Got it, na? Hey, hello. किसको बोला ये, हाँ? मिश्रा जी को. मिश्रा जी. ऐसे ही. शादी का माहौल है, चलता रहता है. जी. चलते हैं. हाँ सर. नहीं नहीं सर, पूरी तरह से सारी चीजें हो रही है. किसी किसी किसी. कैटरिंग की तो उसी दिन पढ़ा दिया था। हाँ सर, आप आराम से रहिए, मैं सब चीज़ सॉर्ट आउट कर दूंगा। जी सर,
हाँ बेटे बोल। कैसे मिश्रा जी? बस कृपा है माता जी। लास्ट मिनट वेडिंग प्रिपरेशन कितनी मुश्किल होती होगी ना? मुश्किल तो है लेकिन चैलेंज द चैलेंज है वह मजा है और जो मजा है वह मिश्रा जी है। बट मिश्रा जी आपको कभी भी हेल्प चाहिए होगी ना तो आई एम ऑलवेज देयर। आपके पास ना हमेशा एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैंड्स रहेगा। क्या एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैंड्स? अरे मिश्रा जी एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैंड्स ऑलरेडी काम पे लग गए हैं ना? हां अरे कुछ लोग मिश्रा जी जिंदगी भर सिर्फ यही बोलते रहते हैं डू यू नीड हेल्प डू यू नीड हेल्प, अरे कुछ काम नहीं करते सिर्फ काम बिगाड़ते हैं। राइट। अरे डीजे का काम मैं सारा संभाल चुका हूं, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? सब वेरी गुड मिश्रा जी। हां ये बोल तो रहा है कि इसने डीजे का काम संभाल लिया, अब एक बार लिस्ट तो चेक कर लो। क्यों? पता चलेगा सारे देहाती टाइप सॉन्ग्स हैं उसमें। अच्छा अरे तुम बड़ी ब्रायन एडम्स की पड़ोसन हो, ये पकड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो शादी का घर है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम है, मैं आप दोनों को इतना काम दूंगा आप दोनों थक जाएंगे। हाँ एक काम करते हैं, मैं आप दोनों को काम बांट देता हूँ। हाँ गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आपका आधा काम ना बहुत अच्छे से हो जाएगा जो मैं करूँगी, बट आपका दूसरा आधा है ना वो तो भगवान ही जाने। समझिए समझ समझ ठीक है ये है। खाना खाने के बाद लोग हॉस्पिटल ही जाएंगे ना सीधा, फिर मेन्यू मैं संभालूंगा, मैंने बोल दिया। मिश्रा जी अब इसकी बात मत सुनो, जस्ट कुछ भी बोलता रहता। अगेन स्टैच्यू, एक मिनट देना, ये आधा काम लो और ये काम आप लो 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 लो। ठीक है दोनों को मैंने काम बांट दिया, एक दूसरे की शक्ल तक मत देखना और कुछ भी काम हो मुझे फोन कर। मिश्रा जी आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा। बस यही काम। अरे यार ऐसे टाइम पे को मेरी बीवी का फोन। हाँ बोल। आया लिसन मैं बहुत बिजी हूँ, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मैं अपने काम में बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी एंड आई वांट टू डू परफेक्शन। तुम्हें परफेक्शनिस्ट बनना है, तुम्हें इसकी स्पेलिंग भी मालूम है, आए बड़े दूसरों की हेल्प करने। अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, वहाँ आपको अनुष्का जी बुला रही है, जाइए ना। मिश्रा जी, जी क्या है? पानी। पानी कहाँ से लेके आए आप? कहाँ से आए पानी? सूंघिए, अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें। हाँ कितना एंबैरसिंग है, कौन पिएगा ये पानी? आप ना चलिए मेरे साथ। किधर? क्या क्या मैनेज किया? अच्छा। है और देख लूँ मैं। ठीक है चलिए। सॉरी। अरे कोई पानी पिला दो, इतना खट्टा पानी। तो तुमसे भी गंदी बदबू आ रही है। ये तुमने किया ना? कैसे? How dare you? कुड़े रहा है। हर्ष वन, अनुष्का जीरो। मिश्रा जी बाहर आइए। मिश्रा जी। जी जी बेटा। मिश्रा जी। हाँ आप देख रहे हैं क्या है? कौन है ये तो मुझे भी पता है कौन है, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसको पता है? देख हर्ष मेरे मेहंदी कौन बाहर पड़े, कब से धूप में खराब हो गए होंगे, अब मैं क्या करूंगी, शाम को मेरे दोस्त आने वाले, मैं मेहंदी क्या लगाऊंगी? हर्ष पता मैं कुछ नहीं है, मैं दो मिनट में सब कर देता हूं। कैसे करेंगे आप दो मिनट में? करता हूं ना, उनको बोलो मैं करता हूं। कभी बस देखिए मैं गया, ये कुछ तो कुछ किया मैंने, ये अभी कुछ ना कुछ करके लाता। कुछ तो करिए लेकिन मेहंदी खराब मत करना। हाँ, बस चल यार।
मिश्रा जी करिए इन्हें। मिश्रा जी ये सब क्या है? आई नो लास्ट मोमेंट में हो गया बट हमने ऑलरेडी लोकेशन बुक कराई थी, ऐसे डेट्स अनअवेलेबल कैसे हो सकते हैं? अभी हम कुछ कहेंगे ना। मैं क्या कहूँ यार मिश्रा जी, कल संगीत है, लोकेशन का क्या होगा? What do we do? आप बोल रहे थे कि ये घर की शादी है, हाँ? ऐसा करता है कोई घर की शादी में? नहीं। और आप लॉलीपॉप चूस रहे हैं यार, ये तो जेजे को फोन लगा। नहीं, नहीं। सर जी लॉलीपॉप खाना बंद कीजिए प्लीज जी, मैं अभी बंद करता हूँ। सर क्या है ना, कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी और ये नॉर्मल है, नॉर्मल है सर, ये क्या होता है? संगीत है और लोकेशन नहीं है हमारे पास। मैं अभी कुछ ना कुछ तो अरेंज कर दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं। क्या होता है ना, ऐसा कई बार होता है। जस्ट अ मिनट, क्या है? हाउ डेयर यू डू दैट अनुष्का, हाउ डेयर यू यार, ये तेरे मेरे बीच में था ना, हाँ? तो कैसे कर सकते हैं उनके साथ यार ऐसा? उन्होंने खुद चूज करी वो लोकेशन। How could I do what? What are you talking about? मैंने कुछ नहीं किया। यार, मैंने खुद बुक करा वो लोकेशन, हाँ? And you canceled it, didn't you? What? मैंने कुछ नहीं किया हर्ष, ये तेरी मेरी प्रॉब्लम है। Why would I do that to her? Come on यार, don't act so बेचारा, हाँ ना? तूने खुद लोकेशन कैंसिल करा, करा कि नहीं करा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, maybe you didn't book it, मुझे क्या मालूम? I didn't book it. It's my sister's marriage, हाँ? तूने बुकिंग की तो डबल चेक करना चाहिए था ना, मे बी समवन एल्स डिड इट, मुझे क्या मालूम? इट्स माय सिस्टर्स वेडिंग, आई डबल चेक्ड इट। आर यू श्योर? आई एम श्योर। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। यू डिडंट डू इट यार अनुष्का, स्टॉप लाइंग नाउ यार। मे बी यहां पे टाइम वेस्ट करने के बजाय हमें जाके देख के आना चाहिए कि किसने किया ये। अनुष्का तूने नहीं किया? नो no. मैंने भी नहीं किया, सब खराब हो गया यार हमारे मजाक की वजह से। पानी में विनेगर कौन डालता? स्टूपिड ऑफ मी यार। अभी जीजू और दीदी वो तो क्राइंग है। बहुत हो गया यार ये मजाक, अब सब ठीक कर देते हैं। नो मोपाई, प्रॉमिस। पानी में स्मेल आ रही है, मेहंदी के कोन सूख रहे हैं, माला में इंक लगी हुई है और अब संगीत के टाइम लोकेशन नहीं है आपके पास। What is this happening, मिश्रा जी? मैं कर लूंगा सर। Actually, क्या बात कर रहा तू? जेजे को फोन लगाना तू। मिश्रा जी, मैं भी जेजे को फोन लगा रहा हूँ। अभी भैया एक मिनट, मिश्रा जी तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ रियली, हुआ ये कि क्लब की डेट अनअवेलेबल थी तो मिश्रा जी ने सोचा कि आपको मीरा भाभी को अननेसेसरी और स्ट्रेस देने के बदले यही पे एक शानदार संगीत प्लान कर लेते। है ना मिश्रा जी? अरे मैं, हाँ, कब तक एक्टिंग करोगे मिश्रा जी, कब तक एक्टिंग करोगे बता दो ना। क्या? अरे उस क्लब से लाख गुना बेटर अरेंजमेंट मिश्रा जी ने यहाँ पे करा exactly. आप लोगों के लिए। इनफैक्ट अनुष्का, अनुष्का खुद सारी कलर स्कीम से लेके फ्लैश तक देख रही है, सब कुछ है ना। फिर एंड हर्ष ने मेन्यू हैंडल किया, आप सब तो जानते ही हैं कि वो फुटेज के साथ कितना गुड है। हाँ और ये बेचारे मिश्रा जी, हाँ, इसलिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और आप लोग भी उनको। अब ये लॉलीपॉप चूसते किस लिए चूसते है ना मिश्रा जी? क्यों चूसते हैं लॉलीपॉप? कोई टेंशन नहीं इनको, सारा काम अरेंज हो गया है ना, सब कुछ हो चुका है, इसलिए लॉलीपॉप चूस रहे हैं ना। अब बताना चाहिए था ना। अरे कैसे बोलते, मुझे लॉलीपॉप देना।
I'm sorry, actually, शादी का घर है तो हॉश पॉश तो होती रहती है। जी मिश्रा जी, sorry. मैं आपको बेकार में इतना कुछ कह रही हूँ, so sorry. कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ना। फिर? अब चलो चलो मिश्रा जी, बहुत सारी बातें करनी है, सारी अरेंजमेंट करनी है ना। हाँ, चलो आप। लीजिए भाई साहब, ये मामला भी छोटा आउट हो गया, ठीक है? अब चलो आप बैठो। अरे क्या लोग हैं? 256, 256 शादियां करवा चुका हूँ, लेकिन इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आई जो अब आ रही। अरे पानी में बदबू आ रही तो मेरी गलती है, वो कौन सूखे पड़े तो मैंने किए। कुछ जेजे सर को फोन लगाओ, जेजे सर क्यों लगाओगे? मिश्रा जी, अगर लोग अपने अपने काम पे फोकस करते ना तो ये सब होता ही नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते का है बात। फिर मुझे टोन मार रही। हाँ, अभी क्या डिस्कस हुआ था वहाँ पे? क्या यार, तेरे साथ ना बात करना दीवार में सर मारने का बराबर है, पता है तेरे को? तेरा चेहरा ही इतना अनोइंग है, मैं करूँ क्या? मेरा चेहरा अनोइंग? हाँ। तू बड़ी सीधी सादी है। हाँ? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? पता है क्या करा इसने? मेरी क्रिकेट किट थी ना, उसके अंदर कीचड़ डाल दी। कौन करते है? तेरे पड़ोसी के बच्चों ने करा ये सब? आज क्रिकेट किट में कीचड़ डाल दिया तुमने सुबह में? नहीं नहीं, वो तो क्लास 8 में था। तो मिश्रा जी, ये भी कुछ कम नहीं है। आपको पता है इसने क्या किया? क्या? मेरी ना साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दिए। साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दिए? हाँ, कोई करता है इसे? क्लास 7th में। मैं ये सब नहीं करता। हाँ, पर पहले तूने सब कुछ शुरुआत करा। तू पंगे नहीं लेती तो मैं क्यों करता कुछ? ओ अच्छा, आपको पता है इसने एक बार क्या किया था? क्या? मेरी पूरी यूनिफॉर्म पहन के गिरा दी। कोई करता है इसे? सुबह में यूनिफॉर्म पहन के आई थी तू? नहीं। ऐसे मैम के सामने चुपा चुपा के चल। तो आपको पता है ये पूरा झगड़ा इसने चालू किया सेकंड स्टैंडर्ड में, मेरी लॉलीपॉप चुरा के। एक मिनट, लॉलीपॉप की वजह से? लॉलीपॉप की वजह से झगड़ा? अरे तुम मुझे बताया होता ना, आधा डजन लेके घूम, मैं तुम लोग को लॉलीपॉप दिया होता। ये लो पकड़ो, ये लो। ये क्या है? भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम लोग लॉलीपॉप के लिए लड़ रहे थे। और मेरा क्या? मेरा तो तुम लोग के लॉलीपॉप से कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन एक बार मैंने ध्यान दिया, जब तुम लोग दोनों मिल के काम नहीं करते हो ना कुछ अधूरा रह जाता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जब मिल के काम करते हो ना तो मैजिक हो जाता है। हाँ यार, मैजिक तो होता है, जैसा भी हुआ। अरे 256 शादी कराने वाले मिश्रा जी ने अभी देखे ना कैसा घबरा गया था। हा? क्या सिचुएशन संभाली है तुम लोग। वाह यार, मिल जाओ बेटा। हाँ, ये मिश्रा जी के लिए मिल जाओ। देखना, इस शादी के अंदर ऐसा रंग जमेगा, ऐसा रंग जमेगा कि तुम्हारे भाई बहन याद करेंगे कि क्या शादी करवाए थे तुम लोगों ने। हाँ, होगा वही मैजिक पक्का। अरे शादी के बाद है ना, तुम लोग दोनों के हाथ में मैं डंडे लाके दूंगा और बोलूंगा लड़ो। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है यार मिलके काम करना। एक सेकंड, ये जो लॉलीपॉप मैंने ली थी ना तब सेकंड स्टैंडर्ड में, हाँ। और डेकोरेशन ये क्या बात है, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। बाय। अरे डीजे तो हम भूल गए। डीजे भूले नहीं है, डीजे मैं ही संभाल रहा हूँ। नहीं नहीं, डीजे मैं संभाल रही हूँ, इसका टेस्ट म्यूजिक में इतना कुछ खास नहीं है। क्या कर रहे हैं? अरे लॉलीपॉप अंदर रखिए, सुनिए तो सही। डीजे मैं ही संभाल रहा हूँ, गानों की चॉइस की है। सब सेटल है, रख दो। अरे रख दो अंदर, बाद में चूसने का भी। तो फिर ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रही हूँ यार, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। देखना यार, ईशु ने भी मुझे डिच कर दिया, लेकिन लिसन, तू मुझे बिल्कुल डिच नहीं करने वाली। Yeah, I am good. Had an amazing spa. अच्छा listen, संगीत के दिन पहुंच जाना,
मुझे तेरे साथ डांस करना है. चलिए टेक केयर, बाय. अनुष्का जी. दीदी थैंक यू सो मच. आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड. मुझे स्पा की रियली में ज़रूरत थी. और पता है हर चीज़ें तूने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की. ऑसम गर्ल यू आर. मेरा या अभी आई एम कमिंग. योर ब्रदर इज कॉलिंग यू. श्योर श्योर बाय. या थैंक्स. थैंक्स किसके? वो तुमने मेरी हेल्प की ना उसके लिए. अच्छा वैसे ना थैंक्स बोलने के और भी बढ़िया तरीके होते हैं. ट्राई इट समटाइम. जैसे कि? जैसे भाई दीदी ने बोला ना. अच्छी लग रही है. डेकोरेशन डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है. थैंक्स. और तुम्हारी ड्रेस भी. सारी तैयारी अच्छे से हो गई है. आई नो. अरे अनुष्का व्हाट बात बता. तू सच में मुझसे अभी तक उस लॉलीपॉप वाली बात को लेकर गुस्सा थी? यार आर यू मैड? मैं तो भूल भी गई थी. बट यस आई डिड हेट यू अ लॉट. पता नहीं क्यों तेरे ना नाम से मेरा मूड खराब हो जाता था. हेलो. अब तुझे झेल सकती हूँ. हाय कितने पागल थे ना हम लोग एक छोटी सी बात के लिए 15 साल वेस्ट कर दी. नहीं 16 साल. 16 कैसे? 15 है ना 15 है. नो 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 16 साल.
तुझे नहीं पता होगा तू थोड़ा वीक है ना मैथ्स में. Listen, that's a very sensitive matter. Don't bring my maths in. तुझे याद है फोर्थ स्टैंडर्ड में तू मैथ्स में फेल भी हो गया था. तू बड़ा टॉप करती थी. हां प्लीज कुछ करिए ना मम्मा. मम्मा प्लीज कुछ करिए ना. अरे बेटा रो मत. अच्छी तरह ढूंढते हैं यहीं कहीं होगा. मम्मा ऐसे कैसे गायब हो सकती है मेरी ड्रेस. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं अभी. लेकिन ऐसे कैसे कहां जा सकता है. यहीं कहीं होगा. चलो ढूंढते हैं. हाँ और बेटा तुम्हारे कमरे में तुम्हारे अलावा कौन गया होगा. हाँ अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ पहले. इतना रो मत. रिलैक्स. अब क्या करें गेस्ट भी आने शुरू हो गए. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मम्मा मैं क्या करूंगी. अरे रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ. काम डाउन. पता करते हैं बेटा वहीं कहीं होगा. देखो अपना एक बार फिर से अलमारी चेक करो. देखो रिलैक्स हो जाओ. अरे भाभी जी आप जाके देखिए इसके साथ जरा. अनुष्का लिसन. अनुष्का व्हाट डिड यू डू. कुछ नहीं. अनुष्का अंदर तेरे एक्सप्रेशन देख के साफ साफ लग रहा था कि तूने कुछ किया. पता तूने क्या किया. मैंने कुछ नहीं किया. हर्ष तू पागल हो गया है क्या. पूरे टाइम बकवास करता रहता है. होगी इधर ही कहीं पे. लेट्स लुक फॉर इट ना. होगी इधर ही कहीं पे. अनुष्का मैं तेरे को अच्छी तरीके से जानता हूँ. सच सच बता तूने क्या किया. फाइन बताती हूँ. तू मुझे इतना परेशान कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी तेरा काम बिगाड़ती हूँ. तो मैंने तेरी दीदी की ड्रेस छुपा दी. देख वो ना एक गोल्डन ड्रेस के बास्केट में था. कॉटन्स के पास रखा था. लेट्स गो ना. तू यहाँ पे क्या कर रहा है. चल चल. व्हाट वो गोल्डन ड्रेप्स की बास्केट एक्स्ट्रा थे. हाँ किसी काम की नहीं थी. मैंने वो मिश्रा जी के हाथ वापस भिजवा दी थी. अब तक तो वो डेकोरेटर के पास पहुंच चुकी होगी. यार क्या करती है यार तू. ये सब हमारे बीच में था यार. मेरी दीदी की शादी हो रही है अंदर लिटरली. देख मैंने सब प्लान थोड़ी किया था. तू मुझे इतना परेशान कर रहा था तो मैं चुप थोड़ी बैठती ऐसे. I had to do something ना. How could you do this यार अनुष्का. हाँ it's my sister's wedding यार. क्या एक्शन चल रहा है यार यहाँ पे. क्या आइटम लोग हैं ये दोनों. Excuse me but who are you guys. तुच्छ प्राणी आम आदमी राजीव रानी और जगजिंदर जोगिंदर. हाय मैं इस वेडिंग का प्लानर हूँ. और आप. मैं आयला. सॉरी मैं आलिया हूँ. राइट. अच्छा बाय द वे ये सब जो हो रहा था यहाँ पे ये रियल था कि रियल. क्योंकि असल में ऐसा बहुत कम होता है कि ठीक संगीत के दिन ब्राइड का ड्रेस गायब हो जाए. राइट. अब इससे पूछ लीजिए. ये सब इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए. वाओ मैंने बहुत शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग्स प्लान किए हैं लेकिन ये वेडिंग को तो आप लोगों ने कुछ और ही लेवल पे लेके चले गए हैं. जो जो यहाँ पे हो रहा है. क्या, क्या पानी के अंदर विनेगर. हाँ? और फूलों के अंदर इंक. बड़ा ऑसम. बड़ा ऑसम. इस स्टूपिड फाइट के चक्कर में तुम दोनों ने अपनी भाई बहन की सबसे स्पेशल दिन एकदम स्पॉइल कर दी. लाइक रुइंड इट. इमेजिन. नॉट कूल मैन. नॉट कूल. नॉट कूल गाइस. आई एम सॉरी. इट्स माय फॉल्ट. I'm sorry for it, but इसकी भी तो गलती है. Look, I'm sorry too. I'm really sorry, but अब हम क्या करें? Short notice पे. ये सब पहले सोचना चाहिए. मिश्रा जी, आइए जी, लाइए जी. यहाँ के जो डेकोरेटर हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनका फोन आया कि जो पर्दे गए हैं, उसमें ये था. तो लीजिए, जाइए, लौटा दीजिए. Thanks, Ajay. Thanks, Ajay. Thanks, Alia. एक सेकंड. Hi. Come back. Come back. वापस आओ. मीरा से क्या कहूँ? Obviously, वही बोलूँगा जो सच है ना. What? सच? सच doesn't work, bro. झूठ बोलूँगा तो सारा नाम इस पे आ जाएगा.
जाऊंगा दीदी को बोलूंगा नो इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी आई मिस्ड इट अप आई एम सॉरी जा सर हां जाइए ड्रेस अल्टर कर लीजिएगा बेचारा ड्रेस की वजह से क्या क्या सुनना पड़ेगा उसे ना सब लोग सीन क्रिएट कर देंगे उस पे ताने मारेंगे क्या क्या होगा यार? लेकिन ना मुझे ना लगता है ना वो जाके ना किसी को सच नहीं बताएगा आई हैड नो आईडिया कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी पर क्यों तुम तो यही चाहती थी ना कि उसे ड्रेस के लिए ब्लेम किया जाए तुम्हें तो वो मिल गया यू शुड बी हैप्पी एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू शुड बी हैप्पी नो बट वो तो पहले था अभी क्या हाउ इज इट डिफरेंट क्या है वो पहले मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था पहले अच्छा नहीं लगता था और अभी अब सीन डिफरेंट है सीन चेंज हो गया है मतलब आई लाइक हिम क्या आई लाइक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जोर से बोलो आई लाइक हिम लाइक सर सो यू लाइक रियली रियली लाइक हिम लाइक सीरियस वाला लाइक क्योंकि क्या होता है ना वो सीरियस वाले लाइक को ना कभी कभी लव भी कहते हैं हाँ क्या कहते हैं लव ओ लव कहते हैं ओ इश्क मोहब्बत सो अनुष्का ये नजदीकियाँ सिर्फ लाइक तक ही है या लव तक पहुंच गई है वाओ पहुंची ऑलमोस्ट पहुंच गई पहुंच गई हो तुम लव पे पहुंच गई हो फिर भी तुमने उसे वहां भेज दिया बेचारे को अपने सर पर ब्लेम लेने वो भी उस ड्रेस के लिए जो तुमने चोरी किया था ब्रो हाँ व्हाट आर यू डूइंग नहीं हाँ नहीं थैंक यू सो मच जीजी सॉरी जगजिंदर जोगिंदर है ओके सॉरी थैंक यू सो मच आलिया यू आर वेलकम आप लोग दोनों सबसे शानदार कपल हो जस्ट थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू अरे कहाँ हाँ करेक्ट करेक्ट सही जा रही है वहीं गया था वो हम सबसे शानदार कपल है अरे मीरा मत रो क्यों रो रही हो इतना सब लोग ढूंढ रहे हैं ना ड्रेस मिल जाएगा ऐसे कैसे गायब हो सकती है मेरी ड्रेस अरे पर रोगी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे सॉरी मीरा दी सॉरी अभी जीजू आपका ड्रेस मैंने छुपाया हर्ष भाई है तू मेरा मुझे लगा था ये दिन जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना तेरे लिए भी है बट यू नो व्हाट यू प्रूव मी रॉन्ग ऐसे कैसे कर सकते तू मेरे साथ डिस्गस्टिंग हर्ष रियली डिस्गस्टिंग मुझे हर्ष ने कुछ नहीं किया एक्चुअली ड्रेस मैंने छुपाई थी अनुष्का ये सब तुमने किया क्यों किया ये सब वो एक्चुअली हर्ष ने सब कुछ चालू किया वो मुझे कितना परेशान करता था उसने फूलों पे सारा इंक गिरा दिया और पानी में विनेगर मिक्स कर दिया एंड फाइटिंग विद मी ऑल द टाइम तो हाउ कुड आई जस्ट सिट क्वाइटली ना मुझे कुछ तो करना था धूप में किसने रखी थी मुझे कुछ तो करना था ना भैया ऐसे मैं ऐसे कैसे बैठ सकती थी आई हैड टू गिव हिम एन आंसर नो और इसीलिए फिर मैंने ड्रेस एक बास्केट में छुपा दी लेकिन वो कोई दूसरी बास्केट में चला गया एंड वो मिश्रा जी मेरी गलती थी मैं बोल रही हूं ना सॉरी वो मिश्रा जी के साथ चला गया मुझे वापस आया तो लेकिन हर्ष सुन वापिस आ हर्ष देखो आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को डांटा गलती उसकी नहीं थी तुम्हारी थी लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारी वजह से ये सब मुझे उसे कहना पड़ा तुम्हें सही आई एम सॉरी हर्ष आई एम रियली सॉरी थैंक यू सो मच तूने पूरा ब्लेम अपने पे ले लिया बट आई एम रियली सॉरी हर्ष जस्ट मेरी बात तो सुन अरे बस यार अनुष्का शट अप सीरियसली शट अप एक तो सारा ब्लेम मैंने अपने ऊपर लिया ऊपर से तू कभी नहीं सीखेगी तुझे सिर्फ मेरे से लड़ना है और हमेशा लड़ना है नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो मैं इतनी ज्यादा डर गई थी मुझे समझ में नहीं आया था हां तो सारा नाम मेरे पे डाल
But I owned up now later on. But owned up here. मैं बस बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो सच भी तो था तो लड़ता था यार मुझसे just you also admitted now. Harsh, I can't deal with you. I can't deal with you. क्या कमाल की चीज होती है ना प्यार, किसी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स इक्वेशन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो लाइफ में सब कुछ सिंपल कर देते। यू नो, अक्सर हमने दोस्ती को प्यार में बदलते हुए देखा, लेकिन कभी दुश्मनी को प्यार में बदलते हुए दैट्स नॉट लॉजिक। वैसे भी जिस चीज के पीछे लॉजिक हो वो प्यार नहीं होता, और जो बिना लॉजिक के हो जाए उसे आशिकी कहते हैं। वाह वाह ऋत्विक, वाह क्या बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।